दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज चुका है और हम आ गए आज मटन बनाने के लिए। तो मछली तो बन गया, चिकन भी बन गया, आज हमारा बन रहा मटन। 1 केजी मटन लाए हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भैया को सीट दे दी है, ये रहा नया सीट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों हम बस चिकन और अंडा खाते हैं और मटन कभी नहीं खाते हैं हम और मम्मी। तो अभी हम लोग ऑर्डर कर लिए थे पनीर का सब्जी। दोस्तों अभी शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और हम लोग नीम वाले घर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या की बैडमिंटन खेल रहे हैं अभी, शुभम है, भैया लोग है, सभी लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में फिर स्वागत है। दोस्तों अभी हम सुबह से यहीं पर थे गैरेज में और ये सीट का जो है बनाव बनवार से जहाँ पे लगता है, तो देखिए मेरा वो बन चुका है वहाँ पे। अभी पूरा सीट का मेरा जो ब्रैकेट होता है जिसको चेची से बोलते हैं, ये मेरा बन चुका है पूरा। अब भेज रहा सीट को, जो नया वाला सीट आने वाला वो डायरेक्ट अब इस पर बैठ जाएगा। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, हमारा नाप नूप का काम जो है वो जैसे 4 मिनट कसना है और मिल जाए। देखते हैं आज शाम तक अगर आ गया सीट तो ठीक है, हो सकता है कल सुबह तक ही बोलेगा, क्योंकि दोनों टाइम बताया था, शाम का भी बताया था, सुबह का भी बताया था। तो देखते हैं अगर मिल जाता है तो बस ला के सिर्फ फंसाना, छेदा वगैरह सब हो गया, वेल्डिंग वगैरह सब कंप्लीट है। तो ठीक है इसको भेज देते हैं वहीं पे दुकान पे, देखना इधर कालाव लगे नहीं। चलो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भैया को सीट दे दी है, ये रहा नया सीट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, कल शाम तक ना भैया, कल शाम तक आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, तो वो लेके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी निकलते हैं वापस घर के लिए। दोस्तों अभी हम लोग वापस ट्रक के पास में आ गए हैं। यहाँ से क्या किया, अभी हम लोग कुकर लेके जा रहे हैं। अभी आज हमारा प्लानिंग हुआ है कि मटन बनाने का, तो मटन भी साथ में अभी लेते हुए चलेंगे और कुकर भी ले लेते हैं। और अभी पापा नहा रहे हैं, नहाने के बाद फिर पापा ही बना लेंगे मटन। तो देखिए अभी निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी क्या है कि अपने पास तो ये काला वाला पेंट था, तो सोच रहे इसे कलर कर लेते हैं इसको। इसको कलर कर लेंगे तो और भी नया जैसा पूरा लगेगा, ऐसे भी जो सीट आएगा वो तो पूरा नया ही रहेगा। दोस्तों अभी देखिए पूरा पेंट कर दिया है, पूरा लग रहा है, चमक रहा है, एकदम नया जैसा हो गया है। अब गाड़ी को दोस्तों लॉक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज चुका है और हम आ गए आज मटन बनाने के लिए। तो मछली तो बन गया, चिकन भी बन गया, आज हमारा बन रहा है मटन। 1 केजी मटन लाए हैं। इसमें एक चीज़ है कि सौरभ मटन नहीं खाता है, वो चिकन खा लेता है और मछली भी खा लेता है, तो मटन नहीं खाता। तो हम लोग ये 1 केजी लाए हैं बनाने के लिए। देखिए मैं तेल भी गर्म हो रहा है, तेल भी चढ़ा दिए हैं, गर्म हो रहा है। अब डालते हैं इसका मसाला। दोस्तों मैं लहसुन लाल हो चुका है, अब जा रहे हैं प्याज भी डालने के लिए इसमें। प्याज को भी अच्छी तरह भूनेंगे अभी। कढ़ाई भी बड़ा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 केजी हमारा आराम से बन जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें भूनने के बाद हम कुकर बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें तो जानबे के तो मटन जल्दी सीझता नहीं है, तो खुले में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसको हम अभी कुकर में डालने वाले हैं, जिस टाइप के गाड़ी में बनाते हैं उसी टाइप बना रहे हैं। इसमें भूनने के बाद इसको हम कुकर में डाल देंगे। दोस्तों हम तो घर पर है, तो लोडिंग का भी बातचीत चल ही रहा है। तो आज संडे है, कहीं कहीं बात हुआ भी है, तो बोला मंडे से लोडिंग चालू हो जाएगा। अब बहुत जगह ऐसा है, ये बहुत सा जितना वर्कर लोग हैं सब छुट्टी में है, तो जगह पे पहुंचा नहीं है। तो कई आदमी ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई पूरा आदमी आया नहीं है, लोडिंग में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो जानबे करते हैं होली एक ऐसा त्यौहार है जो सब लोग अपने गाँव घर चले जाते हैं, तो आने में थोड़ा टाइम लगता ही है। अब घर में जाने के बाद कोई भी आदमी का थोड़ा काम कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है, तो हर आदमी सोचता है जब आए हैं तो ये काम करके जाएँ। तो जैसे मेरा घर का भी काम थोड़ा रुका हुआ है, पूरा मिस्त्री आया नहीं है, उस टाइप का लोडिंग का भी है, फैक्ट्री प्लांट का भी वही सिस्टम है। तो सोमवार से हो सकता है कि पूरा चालू हो जाएगा। दोस्तों मेरा प्याज अभी हो चुका है, करीब आधा हुआ है, ज़्यादा नहीं, अब साथ में दोनों को भूनते हैं, दोनों साथ में ही होता रहेगा। ये देखिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें तेल में भुजाना ज़रूरी है, तेल में जब तक कुछ भूंजेगा नहीं वो मज़ा नहीं आता है, पूरा तेल लग जाएगा इसमें, अच्छी तरह भुजाएगा। दोस्तों यहाँ मटन यहाँ बन रहा है मेरा, और हमारा उधर तरफ पुलाव बन रहा है, वो अलग गैस चूल्हा है उसमें बन रहा है हमारा पुलाव, तो जल्दी हो जाएगा उससे। यहाँ हमारा मटन ही बन जाएगा, उधर पुलाव ही बन जाएगा, तो अच्छी तरह से भूजते हैं इसको। दोस्तों मटन में थोड़ा टाइम लगता ही है, तो उसके लेके थोड़ा अगर ज़्यादा जल्दी करते हैं तो फिर सीझता नहीं, तो मज़ा नहीं आता है। उसके लेके मटन को अच्छी तरह बनाना थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम उसको कुकर का इस्तेमाल करेंगे अभी। पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं, उसके बाद कुकर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मेरा देख सकते हैं मटन भी भून चुके हैं अच्छी तरह से, अब जा रहे हैं मसाला देने के लिए। मसाला देकर अच्छी तरह से फिर भूनेंगे। ये हमारा मसाला इसके अंदर जा रहा है अभी, थोड़ा मिला मिला के।
कढ़ाई में भुजाता अच्छा है, इसीलिए हम इसमें भूजते हैं। कुकर का इस्तेमाल करेंगे लास्ट में। दोस्तों मेरा लास्ट आइटम जा रहा है इसमें नमक डालने के लिए। ये देखिए नमक है। हाँ बस 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 बस, अब ये नमक डालने से क्या है, नमक से भी सिझता है लेकिन सटता भी, इसीलिए नमक हम लास्ट में डालते हैं। नमक डालने के बाद क्या नहीं पकड़ने लगता है थोड़ा। दोस्तों ये है मीट मसाला, ये भी डाल देते हैं। पैकेट में ही आजकल सब मसाला मिल जाता है, पीसने का झंझट ही नहीं है। थोड़ा सा पानी दे के ही इसको चलाना पड़ेगा। दोस्तों मेरा मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसको जा रहे हैं हम इसको क्रॉसिंग करने के लिए कुकर में। कुकर में डाल करके 5 सीटी लगा देंगे तो ये मेरा मटन जो है पूरा क्लियर होकर गल भी जाएगा। जो टाइम लगता है, देखिए कुकर भी सामने रखा हुआ है और ये कुकर मेरा गाड़ी का ही है, गाड़ी से ही कुकर लाया है, गाड़ी वाला ही कुकर है, उसी में जा रहे बनाने के लिए। ये देखिए दोस्तों पूरा मेरा आ गया कुकर में, सारा चीज़ हो चुका है। 4-5 सीटी मारेंगे बस, हो जाएगा मेरा मटन बन जाएगा। दोस्तों मेरा मटन बन चुका है, देख सकते हैं पूरा एकदम गाढ़ा तरी बन गया है। अब चले खाने, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बनाने में मज़ा भी आता है, टेस्टदार भी बनता है। तो चले खाने के लिए इसको। तो दोस्तों हम बस चिकन और अंडा खाते हैं, मटन कभी नहीं खाते हैं हम और मम्मी। तो अभी हम लोग ऑर्डर कर लिए थे पनीर का सब्जी और ये देख सकते हैं चावल है, तो वही अभी खा रहे हैं। और ये लोग का अपना उधर मटन चल रहा है। दोस्तों अब जा रहे हैं खाना निकालने के लिए। ये देखिए मेरा बन चुका है सब। दोस्तों अभी शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और हम लोग नीम वाले घर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या कि बैडमिंटन खेल रहे हैं अभी। शुभम है, भैया लोग हैं, सभी लोग। ये देखिए दोस्तों अभी रात का 10 बज चुका है और अभी हम घर पे ही बैठे हुए खाना खा लिए हैं और टीवी देख रहे हैं। थोड़ा मैच जो चल रहा है वो मैच पूरा देख लेते हैं। तो हम लोग दिन में ही बना था मटन, तो वही हम लोग खा लिए रात में भी। तो सागर का भी खाना हो गया, अब सागर जा रहा है अपने गाड़ी पे सोने के लिए। आज का हमारा दिन भी जो है ना वो सीट के पीछे ही, मतलब ये हो गया होली के बाद थोड़ा सा काम स्लो हो ही जाता कहीं भी। तो हम कहेंगे जब रुके हुए हैं तो भाई क्लियर कर ही लेते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ये चीज़ हो जाता हम लोग के साथ में। हम गाड़ी वाला के साथ यही होता है कि जब अभी है तो करवा लो, लेकिन फिर कब आना होगा कब नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है, हमारा कल तो खैर हो ही जाएगा कम्प्लीट हमारा, तो कल हम लोग सीट कम्प्लीट कर लेंगे, गाड़ी का काम से निश्चित जाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों अभी मैच देख रहे हैं, मैच पूरा खत्म होने के बाद फिर सो जाएंगे, मिलते हैं दोस्तों आप लोग सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग नहा करके फ्रेश हो चुके हैं, देख सकते हैं पापा भी नहा लिए हैं। दोस्तों अभी तो हम नहा धो फ्रेश हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर सीट लगाने के लिए। सीट लगाने के बाद हम फिर निकल जाएंगे अपने लोडिंग के लिए। और एक चीज है कि शुभम का जो है कल बर्थडे है, तो कल हम लोग हो सकता है कल हम नहीं रह पाएंगे, अगर लोडिंग मिल जाएगा तो निकल जाएंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ बर्थडे में क्या है कि शुरू से कभी भी हमारे तीनों बच्चों का कभी केक वगैरह नहीं काटे हैं। हाँ स्कूल में जब था तो चॉकलेट वगैरह लेके जाता था स्कूल में ना, हाँ। अपने दोस्त यार को चॉकलेट वगैरह हम लोग बांटते थे, तो कल भी देखते हैं ये हो सकता है चॉकलेट वगैरह अपने दोस्त यार को, चॉकलेट नहीं आइसक्रीम चलेगा अभी ना गर्मी है, तो आइसक्रीम वगैरह अपना दोस्त यार को ये सब चॉकलेट वगैरह खिलाएगा। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं कल हम लोग रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, ऐसे 100% उम्मीद है कि आज हम लोग निकल जाएंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता करके फिर निकलेंगे अपने गाड़ी के पास और वहां भी जाना हमको जहां हमारा सीट आने वाला है आज। तो फोटो भेजा था हमको तो सफेद लाल और काला में चेक करके सीट है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हम बोल भाई फोटो में तो अलग बात हो जाता है, ओरिजिनल देखना अलग बात होता है। तो बोला कि 10-11 बजे तक आज आ जाएगा आपका, और रांची कहीं से आ रहा सीट वो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ठीक दोस्तों नाश्ता निकलते हैं, तो अगला नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा ये सब। तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय और जय हिंद दोस्तों।